सभी एक स्वर में प्रारंभ करेंगे। हेलो, मंगलाचरण। वंदो ज्ञानानंद कर नैमी चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन, स्वानुभूति रमनी रमन जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज सरस सुधार सिधार, समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। जेनी वाणी विविध विधि वर्णत वेश प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जन जन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन बान बिन दान धन एन हीन तन छीन। इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत, होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन के अंतर्गत प्रथम गुणस्थान की चर्चा पूर्ण होने के बाद द्वितीय गुणस्थान की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी और दूसरे गुणस्थान की परिभाषा भी हमने समझने का प्रयास किया था। एक बार दूसरे गुणस्थान की परिभाषा पुनः दोहराते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कल किसी ने एक बात कही ये भव्य अभव्य के संबंध में कि हम दूसरे के बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि भव्य है कि अभव्य है, ये बात तो पक्की हो गई। चलो दूसरे के बारे में नहीं कहेंगे लेकिन अपने बारे में हमें तो पता चल सकता है कि नहीं हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, है ना। प्रश्न फिर से मैं बोलता हूं, दूसरे का तो हम पता कर नहीं सकते, न करने का प्रयास करना चाहिए, न किसी के थ्रू या कैसे भी किसी भी दृष्टि से भव्य अभव्य का निर्णय हमारे हाथ में दूसरे के विषय में हमारे हाथ में नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि चलो दूसरे के बारे में हम न पता करें न पता करेंगे न पता कर सकते हैं लेकिन हम स्वयं भव्य हैं कि अभव्य हैं, ये कैसे पता किया जाए, ये भी एक प्रश्न है। तो आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने तो पता कर लिया होगा वैसे, क्यों भाई साहब, इतना तो हम सब अपने बारे में जानते ही हैं। जब भी कोई बात आती है तो हम तुरंत बोलते हैं किसी बात पे से तुम जानते नहीं हो हमें, इसका मतलब तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तो अपने आप को जानता ही हूं, बात सही है ना। मैं क्या हूं ये आपको पता नहीं है, माने दूसरे को पता नहीं है ये बात तो सही है लेकिन मुझे तो अपने बारे में पता है ही, ये बात पक्की है। तो मेरा प्रश्न है कि मैं स्वयं भव्य हूं यह हमें पता है कि नहीं पता है, सबको पता है,
क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अच्छा कैसे पता है, क्या कारण है कि मैं भव्य हूं? अच्छा ये बोल रहा है बेटा, बोलो बेटा। अरे वाह बहुत बढ़िया, लक्षण बताया है शास्त्रों में, क्या बताया? तत्प्रति प्रीति चित्ते ने हीन वार्ता ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने तत्व की बात, आत्मा की बात अति प्रीति चित्त से सुनी है, उत्साह से सुनी है, निश्चितम सा भवेद भव्यो, निश्चित रूप से वह भव्य होना चाहिए। लेकिन इसमें अच्छे से विशेषण हमें ध्यान रखना है, क्या विशेषण कहे हैं? तत्प्रति प्रीति चित्ते ने, प्रीति चित्त से, उत्साह से। ऐसा नहीं प्रवचन का टाइम हो गया, कितने बजे का? 6:30 ठीक है, वैसे तो घूमने जाना था भी, अब कहाँ जाएं? चलो अब यहीं बैठ जाते हैं, कहाँ जाएंगे? ठीक है देख लेते हैं क्या चल रहा है, है? क्यों गौतम गणधर, है ना? अभी प्रश्न बाद में करना है ना, अब घूमते, यहां घूमने के लिए तो कुछ ज्यादा है नहीं, 10 मिनट इधर उधर हो गए, अब ऐसा करते हैं यहीं बैठ जाते हैं आराम से, ठंडा भी है, है ना, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया आराम से बैठ जाओ। इसका नाम प्रीति चित्त से है, फिर किसका नाम है प्रीति चित्त से? वैसे मनुष्यों को सीखने और सिखाने के लिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर त्रियंचों के उदाहरण ज्यादा दिए जाते हैं, है? सुने होंगे जब विद्यार्थियों के लक्षण की बात होती है तो कहते हैं कि काक चेष्टा, कौए की तरह चेष्टा होना चाहिए, वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, और स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह निद्रा होना चाहिए। इसका मतलब मनुष्यों में तो कोई क्वालिटी है नहीं, तो जानवरों से सीखना चाहिए, ये साहित्यकार हमें सिखाते हैं, ऐसा ही है ना, है ना? ऐसे ही उत्साह की बात, प्रीति चित्त की बात कि जिनवाणी हम कैसे सुने, इसके लिए भी अपने अन्य विद्वानों ने भी संस्कृत के श्लोकों में कहीं ना कहीं उत्साह की बात कही है। आपके प्रथमानुयोग में अपन ने कहानियों में पढ़ी है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए कैसा उत्साह चाहिए, इसके लिए कहानी है, वो मेंढक वाली कहानी है ना, कौन सी कहानी है? आपको सबको पता है, अपन महावीर अष्टक में भी पढ़ते हैं, यदर्चा भावेने प्रमुदित मनादर दुरई है क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। क्या क्या था उत्साह मेंढक में? यदर्चा भावेने, मात्र अर्चा के भाव से, दर्शन करने के भाव से, कि मुझे दर्शन करने के भाव हुए हैं, तो मेंढक कितने उत्साह से, उसके पास कुछ साधन नहीं, ना बैलगाड़ी, ना रेलगाड़ी और ना एरोप्लेन, कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं, मुख में टहनी दबाई फूल की ओर निकल पड़ा। अब वहां भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो वहां कोई व्यवस्था होगी कि नहीं? समावसरण में लेट बात अटैच्ड रूम होगा कि नहीं होगा? एसी कूलर होगा कि नहीं होगा? ठंड होगी तो उसके हिसाब से सारे ठंड के वस्त्र रखना पड़ेंगे, गर्मी होगी तो हिसाब से व्यवस्था करना पड़ेगी। क्या किया उसने? कोई व्यवस्था बनाई? कोई व्यवस्था नहीं।
बस अति उत्साह से निकल पड़ा। और देखो गजब की बात है, उससे भी बड़े बड़े महारथी भी भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, बड़े बड़े राजा लोग भी, वो सब वहीं के वहीं रह गए और मेंढक उनसे पहले समवसरण में पहुंच गया, है ना। मैं वो हाथी के पैर के नीचे दब गया, मर गया, लेकिन ऐसे उत्साह के भाव से मरण करके स्वर्ग में गया और स्वर्ग में देव बन के समवसरण में राजा से पहले पहुंच गया। ऐसा उत्साह है हमारे अंदर हो, जैसे उसको दर्शन करने का उत्साह था, वैसे ही हमें तत्व श्रवण करने का उत्साह होना चाहिए। जिन वाणी को अपने जीवन में उतारने का, आत्मकल्याण करने का यदि उत्साह है, तो हर समय उत्साह इतना हो कि वृद्धिंगत तो होता चला जाए और मैं अपना कल्याण कैसे कर लूं, कब कर लूं, यह निरंतर भावना हो। आगे पीछे क्या होगा, क्या व्यवस्था होगी, उसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसा अति उत्साह पूर्वक सुने तब उसको कहेंगे तत्प्रति प्रीति चित्ते ने एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो। अब हम अपने आप को चेक कर लें कि हमें आत्मा की बात, आत्मा की चर्चा करने में, सुनने में कितना आनंद आता है। यदि आनंद आता है, आनंद में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो समझ लेना चाहिए कि हम भव्य हैं। और यदि फॉर्मेलिटी दिखाई दे रही हो तो फिर सोचना विचार करना, इसलिए आचार्यों ने भव्य की परिभाषा दे दी है। अपन भी यहां पर जो गुणस्थान विवेचन की चर्चा कर रहे हैं, इस गुणस्थान की विवेचन की चर्चा के अंतर्गत प्रथम गुणस्थान की चर्चा अपन ने कल की। प्रथम गुणस्थान में जो जीव है वह भव्य है कि अभव्य है अपन कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन जो दूसरे गुणस्थान में जीव है वह नियम से 100% भव्य ही है। पहले गुणस्थान से जो ऊपर निकल गया वो सबके सब भव्य ही जानना चाहिए, इसमें हमें किसी को कोई शंका नहीं है। क्यों है भव्य? क्योंकि दूसरे गुणस्थान में जो जीव पहुंचा है वह पक्का है कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है, और जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है वो अभव्य कैसे हो सकता है। कल अपन ने दूसरे गुणस्थान में बात की कि दूसरे गुणस्थान में कैसे आया जीव, मैं एक बार 2 मिनट में रिवीजन करता हूं। आप लोग अपना जो कल पढ़ा था वो अपना माइंड रिमाइंड कर लें, सब जो जो पढ़ा था, तो उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम गुणस्थान से कोई जीव, किसी जीव ने औपसमिक सम्यक्त प्राप्त किया। कौन सा सम्यक्त? औपसमिक सम्यक्त। औपसमिक सम्यक दर्शन का काल कितना है? अब आप आंसर देते जाना है ना, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। औपसमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त के बारे में तो कल बहुत बता दिया था, अब आपको पक्का पता चल गया होगा कि अंतर मुहूर्त बहुत प्रकार का है, 48-48 का चक्कर नहीं है, है ना। 48 मिनट का कोई अंतर मुहूर्त नहीं, अंतर मुहूर्त अनेकों प्रकार के हैं। और यहां पर यथायुग अंतर मुहूर्त जानना, 1 सेकंड का भी अंतर मुहूर्त होता है, 1 मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है, 5 मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है, 10 मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है, और 1 सेकंड के असंख्यात में भाग का भी अंतर मुहूर्त होता है, है ना। तो औपसमिक सम्यक्त का काल कितना? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त काल पूरा होने के पहले कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहे, उतने में किसका उदय आ जाए? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन चारों में से किसी एक का उदय आ जाए, तब यह जीव उतने समय के लिए कहां पहुंच जाएगा? सासाधन सम्यक्त में। और सासाधन सम्यक्त का काल अब कितना रहेगा?
कम से कम एक समय और अधिक से अधिक छयावली, और यदि उसके बीच में रहा तो मध्यम समझ लेना। तो कम से कम एक समय और अधिक से अधिक छयावली काल शेष रहे, उतने में अनंत अनुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाए, तब इसे जीव के जो सम्यक्त्व की विराधना हुई, क्या हुई, सम्यक्त्व की विराधना हुई, और सम्यक्त्व की विराधना से अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति हो गई। क्या कहा, अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति। एक कल ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाया था, फिर से एक बार पक्के समझ ले, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। अव्यक्त अभी इसके जो अतत्व श्रद्धान है, तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान है, अभी कैसा है, अव्यक्त है। अव्यक्त है का मतलब व्यक्त नहीं हुआ है। व्यक्त कब होगा कि जब यह जीव पहले गुण स्थान में आ जाएगा। जब तक पहले में नहीं आया है तो वहां दूसरे गुण स्थान में जो ऊपर से गिरता हुआ चला रहा है, तो इसके वह अभी अव्यक्त अतत्व श्रद्धान जानना चाहिए। इस तरह से दूसरे गुण स्थान की परिभाषा पर कल अपन ने चर्चा की थी। हाँ जी, हाँ, प्रकट रूप से नहीं होना, किसकी नहीं, खुद को पता तो समय बहुत कम है, तथापि अनुभव तो जरूर होगा। कितना, कि जो जीव सम्यक्त्व से गिरा है, सम्यक्त्व से जो गिर चुका है, भले बहुत अल्प स्वल्प समय का है, लेकिन सम्यक्त्व से गिरने के कारण से जो आनंद में कमी आएगी, आनंद में जो कमी आएगी, क्योंकि अभी तक कहां था, असमयिक सम्यक्त्व में जो जीव था उसको जो अतीन्द्रिय आनंद आ रहा था, जब अनंतानुबंधी का उदय आया तो अनंतानुबंधी के उदय आने से जो सम्यक्त्व की विराधना हुई तो आनंद में कहीं ना कहीं कमी हुई, तो उससे तो इतना आभास तो हो ही जाता है कि अब मैं उस जगह पर नहीं हूं। इस दृष्टि से वहां पर आनंद में कमी होने से उसको इतना तो भाव भाषण होगा ही, है ना। हाँ, क्या चीज, ये जीव, ये तो सादी अनादि कोई भी हो, अभी यहां पर दूसरे गुण स्थान में तो मिथ्या दृष्टि है भी नहीं। वो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि दूसरे गुण स्थान में सादी मिथ्या दृष्टि है कि अनादि मिथ्या दृष्टि। हाँ हाँ, दूसरे का कम समय है और पहले में आने वाला है, जब पहले में आ जाएगा तो सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हो चुका है, है ना। क्या चीज, हाँ, औपसमिक, औपसमिक सम्यक दर्शन। अभी बताता हूं, ये वाली बात पक्की हो गई, अपन आगे बढ़ते हैं। कल अपन अव्यक्त वाली बात समझ में नहीं आई सब। अव्यक्त पन्ना माने क्या करूं, अव्यक्त माने जब जैसे मिथ्यात्व तो गुण स्थान में आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि पहले उसकी मान्यता उल्टी पक्की हो जाएगी, उसको भी ख्याल में आएगा। तो वो तो व्यक्त तो हुआ ना, वो तो व्यक्त तो पन्ना हुआ, ख्याल में आएगा वो तो। हाँ, तो वो पहले में होगा, अभी दूसरे में, दूसरे में अभी व्यक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक उसके दर्शन मोहिनी का भी उदय नहीं आया है। जब दर्शन मोहिनी का भी उदय आ जाएगा पहले गुण स्थान में जब पहुंचेगा, तो अनंत अनुबंधी का भी व्यक्तपना कहलाता है फिर। हाँ, समय कम है। हाँ, दूसरा ये है कि वहां पर दर्शन मोहिनी सहित दर्शन मोहिनी का भी उदय हो, पहले गुण स्थान में आए, तब उसके बात व्यक्त रूप में आ जाएगी। और दूसरी बात मुख्य तो ये है कि इतना सा अल्प काल है, बहुत अल्प काल है, उस अल्प काल में कितना कितना विचार करे और क्या करे, बुद्धि पूर्वक, बुद्धि रूप में जो गम हो
वो वाली बात तो वहां उतने समय में आ नहीं सकती है, इसलिए उस समय अव्यक्त है, है ना। अब कल एक और चर्चा हुई थी कि औसमिक सम्यक्त्व के दो भेद कहे थे, कौन कौन से, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। प्रथमोपसम सम्यक्त्व और द्वितीयोपसम सम्यक्त्व। प्रथमोपसम सम्यक्त्व किसे कहा था, मिथ्यात्व का अभाव करके जिसको औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ है उसे कहते हैं प्रथमोपसम। फिर से बोल रहा हूं एक बार, किसका अभाव करके, मिथ्यात्व का अभाव करके जिसे औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ है उसे कहते हैं प्रथमोपसम। पक्की बात नंबर दो। द्वितीयोपसम किसे कहा था, कई लोगों को द्वितीयोपसम में बहुत शंकाएं हो रही थी कि प्रथमोपसम तो समझ में आ गया, ये द्वितीयोपसम क्या है, क्यों कहां होता है, इसकी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे लोग आ गए हैं, थोड़ा सा कक्षा का एक नियम आज बनाना पड़ रहा है मुझे। मुझे बहुत कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि आप बीच बीच में शंका समाधान ज्यादा करते हैं तो विषय अपना बढ़ नहीं पा रहा है। यद्यपि विषय बढ़ जाए और समझ में नहीं आए तो विषय बढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं है, है ना। तथापि बहुत लोग हर प्रकार के हैं, कई लोग अभ्यासु हैं तो वो सोचते हैं जल्दी जल्दी बढ़े, और कई जनरल लोग हैं तो उनको ऐसा लगता है ऐसा शंका समाधान होता रहे तो हमारी बात पक्की हो जाती है। तो बहुत वैरायटी के लोग हैं और मुझे लगता है हजारों लोग बैठ जाते होंगे, और सबके अलग अलग चिंतन हैं, सबको लेके चलना बड़ा कठिन है। तथापि मैं प्रयास करूंगा कि जहां जरूरत लगेगी वहां शंका समाधान, जहां नहीं होगी वहां चर्चा, और कक्षा के अंत में जरूर आप या तो पर्ची भेज दें तो सबसे बढ़िया सुविधा हो जाए, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी शंका समाधान हो जाता है। पहले ही से आप बना लें कि विषय चल रहा है और हमें शंका हो गई तो पहले लिख लिया और कहीं के कहीं थ्रू अपने पास पहुंच गई, लास्ट में अपना जो 10 मिनट बचेगा उसमें शंका समाधान पूरा हो जाएगा, और एक आध कोई बहुत इमरजेंसी होगी तो देख लेंगे, है ना। तो कौन सी बात चल रही है, अपने औपसमिक सम्यक्त्व के दो भेद, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। प्रथमोपसम हो गया क्लियर, द्वितीयोपसम किसे होता है और कैसे होता है। शायोपसमिक सम्यक्त पूर्वक, निलय जी भाई साहब किस पूर्वक, शायोपसमिक सम्यक्त पूर्वक। देखो गजब है, वो मिथ्यात्व पूर्वक हो रहा था, किसके पूर्वक हो रहा था, वहां लाइन अलग है, मिथ्यात्व का अभाव करके औपसमिक, और यहां सम्यक्त्व का अभाव करके, माने कौन सा, शायोपसमिक सम्यक्त्व का अभाव करके जो औपसमिक हो उसका नाम है द्वितीयोपसम। याद रखने के लिए आप ऐसा करें, मिथ्यात्व का अभाव किया, एक सम्यक दर्शन हुआ, उसका नाम प्रथमोपसम, और सम्यक्त्व से सम्यक्त्व, सम्यक्त्व से तो कितने हो गए सम्यक्त्व, है ना। तो दूसरा सम्यक्त से सम्यक्त जो हुआ, दूसरा वाला सम्यक्त हुआ, उसका नाम हो गया द्वितीयोपसम। पंडित जी ठीक हम गढ़ वाले, है ना। एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आई, बहुत बढ़िया। आप नोट करके रखें, मैं अपन चलाएंगे क्रम क्रम से, इसको पहले पक्का करें फिर आपका वो जवाब भी हम दे देते हैं। शायोपसमिक सम्यक्त्व का अभाव करके जो औपसमिक हुआ उसका नाम द्वितीयोपसम। ये द्वितीयोपसम सम्यक्त्व कहां होता है और किसको होता है, प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहां और किसको होता है, ये बात तो पक्की हो गई, मिथ्या दृष्टि को होगा, सादी मिथ्या दृष्टि हो चाहे अनादि मिथ्या दृष्टि हो, और द्वितीयोपसम होगा वो सम्यक दृष्टि को होगा। द्वितीयोपसम किसको होगा,
कौन से सम्यक दृष्टि को, ये बात भी पक्की याद रखना पड़ेगी, सम्यक दृष्टि को का मतलब कोई भी सम्यक दृष्टि मत लगा देना, शायक वाला मत लगा देना, ऑफ सम्यक वाला भी मत लगा देना, कौन सा लगाना, शायव सम्यक सम्यक दर्शन, शायव, हाँ अब एक सेकंड, शायव सम्यक सम्यक दर्शन पूर्वक ऑफ सम्यक हो उसका नाम द्वितीयोपशम। अब ये द्वितीयोपशम सम्यक तो किसको होता है, किसको जरूरत पड़ी, क्यों होता है, क्या जरूरत है इसकी, वो वाली बात भी सुन ले। द्वितीयोपशम सम्यक जिन मुनिराजों को श्रेणी आरोहण करना है, क्या कहा, जिन मुनिराजों को श्रेणी आरोहण करना है। अभी श्रेणी क्या होती है, एक शब्द अटकता है तो बताना ही पड़ता है। श्रेणी का मतलब होता है आगे वृद्धिंगत परिणाम, वो श्रेणी है, डिटेल हम बाद में बताएंगे, आप इतना समझें, आठवें गुणस्थान से ऊपर चढ़ते हैं, कहां से, आठवें गुणस्थान से ऊपर चढ़ते हैं उसको श्रेणी चढ़ना कहते हैं, सातवें तक चढ़े उसको श्रेणी नहीं कहते, आठवें से चढ़े, आठवें से नौवें दसवें ग्यारहवें या आठवें से नौवें दसवें बारहवें जैसे भी गए, इसको कहते हैं श्रेणी। माने जिन मुनि राजों को सातवें के ऊपर जाना है, ऊपर जाना है का मतलब हम करणानियों की भाषा में कहेंगे श्रेणी चढ़ना है, यदि उन मुनिराजों के शायो सम्यक सम्यक तो है, कौन सा सम्यक, शायो सम्यक सम्यक, शायो सम्यक सम्यक का नियम है उससे कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ सकता, कौन से सम्यक दर्शन से, शायो सम्यक सम्यक दर्शन से श्रेणी नहीं चढ़ सकते, क्यों नहीं चढ़ सकते, शायो सम्यक सम्यक मलिन है, शायो सम्यक सम्यक मलिन है, और मलिन सम्यक दर्शन से श्रेणी चढ़ना संभव नहीं है। जितने भी कहते ना सम्यक दर्शन में दोष लगे, चलमा लगा दोष लगे और ये दोष लगे, ये सारे दोष जो लगते हैं वो सब कौन से सम्यक दर्शन में लगते हैं, शायव सम्यक में। तो शायव सम्यक सम्यक दृष्टि वो मुनिराज हैं, वो मुनिराज श्रेणी नहीं चल सकते, सम्यक तो मलिन है, तो अब वो क्या करते हैं, मलिन सम्यक तो होने से श्रेणी नहीं चल सकते, तो शायव सम्यक सम्यक को वो ऑफ सम्यक में बदलते हैं, किसमें, या तो शायक में बदल दें, किसमें, दो ऑप्शन है उनके पास, या तो शायक में बदल दें या फिर उपसम में बदल दें, यदि शायक में बदले तो सम्यक तो कौन सा, शायक हो गया, यदि शायव सम्यक को ऑफ सम्यक में बदला तो वह ऑफ सम्यक सम्यक द्वितीयोपशम नाम पाता है, और द्वितीयोपशम सम्यक भी निर्मल है उससे भी श्रेणी चल सकते हैं, शायक सम्यक भी निर्मल है उससे भी श्रेणी चल सकते हैं, इन दोनों से श्रेणी चढ़ने का नियम बन जाता है, इसलिए शायव सम्यक सम्यक से श्रेणी नहीं चढ़ने के कारण से ऑफ सम्यक सम्यक करना पड़ता है, उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक होता है। रुक जा, है ना। दूसरी बात, अब प्रश्न किसी को उठ सकता है कि यह द्वितीयोपशम सम्यक तो कौन कौन से गुणस्थान में होता है ना, उठा होगा किसी को, प्रथमोपशम सम्यक तो मिथ्या दृष्टि को, है ना, द्वितीयोपशम सम्यक तो गुणस्थान कौन कौन से बताओ, ही किसी को पता हो तो, कौन कौन सा, आप लोगों से ज्यादा आवाज उधर की आ रही है, सुन नहीं सकते इसलिए हम अपनी ही सुना देते हैं, है?
आपने कहा सातवें गुलिस्तान के दूसरे भाग में होता है, कोई बोल रहा है चौथे में, कोई बोल रहा है सातवें में, हाँ क्या है सातवें में, सातवें में किसी और को बताना है? हाँ अरे बाप, तो पढ़ चुके हैं लगता है पहले। द्वितीय सम सम्यक्त चौथे पांचवे छठवे और सातवे चार गुण स्थानों में उत्पन्न भी हो सकता है। कहीं कहीं ऐसा लिखा है सामान्य कथन, कहीं पर शास्त्रों में अच्छे से सुन ले में, क्योंकि वहां गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ होता है? कहीं पर ऐसा लिखा है कि श्रेणी चढ़ने के पहले वहीं सातवे में और ऊपर से श्रेणी चढ़ने के बाद गिरता है तो चौथे तक पाया जा सकता है, जिनने पढ़ा हो। सही ऐसा ही पढ़ा है, बराबर है ना? हाँ नहीं वो तो ठीक है। जो द्वितीय सम सम्यक्त के बारे में इस तरह की चर्चा है कि सातवें में उत्पन्न होता है, ऊपर श्रेणी चढ़ गए ग्यारहवें तक, लौट के आए तो चौथे तक रहेगा, इस तरह की चर्चा है। लेकिन आप अच्छे समझ ले बें कि उत्पत्ति की दृष्टि से भी चौथे में भी उत्पन्न हो सकता है, पांचवे में भी उत्पन्न हो सकता है, छठवे में भी उत्पन्न हो सकता है और सातवे में भी उत्पन्न हो सकता है। हम बता देंगे, है ना? संविज्ञान चंद्रिका में देखना आप, है ना? हाँ जीव कांड वाली, कर्म कांड में कहां देखा? और भी दो तीन जगह प्रमाण बताएंगे आपको, आपका तो बहुत जबरदस्त अभ्यास है, हर शिविर में मिलते हैं, बहुत चर्चाएं होती हैं। ये चारों गुण स्थान द्वितीय सम सम्यक्त की उत्पत्ति के हैं। अच्छा जिसमें आपको ऐसा लगे ना, जैसे आपने कहां लिखा, आपको ऐसा भी कहीं विकल्प आए, यद्यपि हमारे पास यहां ज्यादा ग्रंथ नहीं है, तथापि हम वो भी बताने का प्रयास करेंगे कहां लिखा। कई लोगों को कुछ भरोसा नहीं होता ना कभी कभी, डाउट, हमने तो आज तक ऐसा सुना है, हमने तो आज तक ऐसा सुना है, लेकिन ये वाली बात तो एकदम नहीं है, तो कहां लिखा है, ऐसी जिज्ञासा हो जाती है, तो वो भी सारे समाधान हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हमने देखा प्रथमोपम सम्यक्त और द्वितीयोपम सम्यक्त। अब हमें देखना था दूसरे गुण स्थान में परिभाषा जो बनी थी, तो अपन अभी कह रहे थे उपसम सम्यक्त के अंतर्मूर्त काल में से, अब क्या लगाना है, प्रथमोपम सम्यक्त के अंतर्मूर्त काल में से, माने प्रथमोपम सम्यक्त की वहां पर चर्चा समझना। अब दूसरा गुणस्थान इस जीव को जिसको प्राप्त हुआ है, उस दूसरे गुणस्थान से यह जीव, यदि अपन गमनागमन की बात करें, काल की बात तो हो गई अपने आप कि दूसरे गुणस्थान का काल कम से कम बता दिया एक समय और अधिकतम बता दिया छयावली। यदि गमनागमन की बात करें कि दूसरे गुणस्थान से यह जीव कहां कहां जा सकता है और दूसरे गुणस्थान में यह जीव कहां कहां से आ सकता है, दूसरे गुण स्थान से यह जीव मात्र एक ही जगह जाता है, कहां जाता है, मात्र पहले में, ऊपर जाने के रास्ते सब बंद, दूसरे गुण स्थान से कोई जीव ऊपर नहीं जाता है। कोई सोचे कि हम गिरे हैं और वहीं के वहीं जंप कर दें, कोई पहाड़ी से गिरा हो सम्यक्त रूपी पहाड़ी से तो कहां आएगा पंडित जी साहब, कहां कहां आएगा, जमीन पे आएगा कि बीच में ही कोई पकड़ लेगा और वहीं से जंप करता हुआ ऊपर चढ़ जाएगा? ऐसा होता कोई पहाड़ से गिरे और बीच में ही निकल जाए? अभी वर्तमान में भले ही ऐसे कुछ साधन बन गए हैं कि आजकल ऊपर से गिरते हैं और वहीं के वहीं वो व्यवस्था ऐसी रहती कि वहीं के ऊपर उड़ गए,
है, बलून वगैरह रहता है सब, लेकिन वो व्यवस्था यहां नहीं जमेगी कि हम ऊपर से गिरे हैं और बीच में से ही ऊपर चले जाएं। यहां वो व्यवस्था नहीं है, ऊपर से गिरे हैं तो नीचे पहले गुणस्थान में जाना ही है बस। इसलिए गमन का गुणस्थान एक हुआ, कौन सा? पहला। और दूसरा आगमन की बात करें तो इससे दूसरे गुणस्थान में जीव कहां कहां से सीधा आ सकता है? छठवें गुणस्थान से। कहां से? छठवें गुणस्थान से आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, छठवें से, पांचवें से, चौथे से। कितने हो गए? तीन। छठवें से, पांचवें से, चौथे से। इन तीन गुणस्थानों से जीव कहां आएगा? दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। इसके ऊपर से कहीं से नहीं आएगा, सातवें से दूसरे में नहीं आएगा। कल किसी ने ऐसा कहा था, वो बोर्ड पे चार्ट बना था ना, कि पहले से ऊपर औपसम्यक सम्यक्त में जाने के लिए तीन बताए थे ना, चौथा गुणस्थान, पांचवा और सातवा। तो किसी को ऐसा लगा कि चौथा पांचवा सातवा है जाने का, तो गिरेंगे भी तो वहां से पांचवे से चौथे से और सातवें से, पांचवे से और चौथे से। ऐसा नहीं है, सातवें गुणस्थान से कोई भी जीव यदि जीवित अवस्था में है तो, कंडीशन, यदि सातवें गुणस्थान में जीवित अवस्था में मुनिराज हैं तो वो कभी भी वहां से कहां पर नीचे के छठवें के को छोड़कर नीचे के गुणस्थानों में नहीं आ सकते। ऊपर जाए तो जाए, बहुत बढ़िया, ऊपर जाए तो जाए, लेकिन हाँ चलो वो ही बताता हूं। माने यहां पर सातवें से छठवें में आते हैं और छठवें के बाद फिर वहां से गिरने का रास्ता है। सातवें से डायरेक्ट दूसरे में आ जाएं या पहले में आ जाएं ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो शुद्धोपयोग का गुणस्थान है जहां मुनिराज तीन कसाय चौकड़ी का भाव करते हुए अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, शुद्ध उपयोग में लीन है, ऐसे मुनिराज डायरेक्ट कहीं पहले या दूसरे आदि गुणस्थानों में कैसे आ सकते हैं? कदापि नहीं आ सकते हैं। यदि वहां आना है तो सातवें से छठवें में और छठवें के बाद फिर डायरेक्ट जहां पर जा सकते हो, जिस कसाय का उदय आए या पुरुषार्थहीन हो, दोनों ही बातें लगाते हुए अध्यात्म की तरफ से कि जीव पुरुषार्थहीन हुआ और कर्णानियोग में निमित्त की अपेक्षा से तत्संबंधी कसाय का उदय हुआ, तो वह जीव वहां से गिर के नीचे के गुणस्थानों में आता है। तो छठवें गुणस्थान में पुरुषार्थहीन हुआ और कसायों का उदय आया तो डायरेक्ट दूसरे में, पांचवे में भी हुआ तो दूसरे में, चौथे गुणस्थान में वहां से भी उदय आया अनंत अनुबंधी का तो दूसरे में। इस तरह से छह, पांच और चार, इन तीन गुणस्थानों से यह जीव दूसरे गुणस्थान में आ सकता है, है ना? बताता हूं अभी, इनका भी प्रश्न है, प्रश्न वैसे मेरे पास कलेक्शन होता जा रहा है, अभी मैं इन पे चर्चा करता हूं। इसमें एक कंडीशन और, मैंने कहा था ना यदि वो मुनिराज सातवें में जीवित अवस्था में है तो, यदि सातवें गुणस्थान में मरण हो जाए तो फिर कंडीशन अलग हो जाएगी। क्या कंडीशन हो जाएगी? बस बहुत बढ़िया, यदि सातवें गुणस्थान में किन्हीं मुनिराज का मरण हो जाता है तो मुनिराज गिरकर विग्रह गति में चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं। नियम से ऊपर के गुणस्थानों में भी कहीं पर भी सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, कहीं पर भी किन्हीं भी मुनिराजों का मरण होगा तो मरण करके सबके सब मुनिराज डायरेक्ट चौथे ही गुणस्थान में आते हैं, है ना?
इस तरह से अपन ने दूसरे गुणस्थान में जितनी जितनी बातें, वैसे तो इसमें बहुत है विषय, यदि आप पढ़ेंगे और स्वाध्याय करेंगे तो और चर्चा के माध्यम से इसमें आता जाएगा। चौथे दूसरे गुणस्थान की एक विशेषता और इसमें बताई गई, दूसरे गुणस्थान में किसी जीव का यदि मरण होता है, किसमें, दूसरे गुणस्थान में यदि किसी जीव का मरण होता है, वो जीव यदि बद्धायुष्क ना हो तो, क्या कहा, ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, आप पूछोगे उसके पहले ही मैं जवाब दूंगा। यदि बद्धायुष्क ना हो तो दूसरे गुणस्थान में कोई जीव यदि मरण करे तो वह जीव नरक में नहीं जाएगा। कहां नहीं जाएगा? नरक में नहीं जाएगा। ये बद्धायुष्क क्या होता है? यदि किसी जीव ने पहले ही अन्य किसी आयु का बंध ना किया हो, है ना, यदि उस जीव ने पहले नरकायु का बंध कर लिया है, किसका, नरकायु का यदि बंध कर लिया है और दूसरे गुणस्थान में मरण होता है तो वह जीव नरक में जाएगा, है? सुनो फिर से एक बार और, क्या नियम बताया, यदि बद्धायुष्क होगा, यदि पहले ही आयु बांध ली होगी और दूसरे गुणस्थान में मरण हो जाए, नरकायु बांधी थी और मरण हुआ, तो वह जीव कहां जाएगा? वो तो ठीक है, नरक में जाएगा। कहां जाएगा? नरक में जाएगा। और यदि पहले से नरकायु नहीं बांधी थी तो दूसरे गुणस्थान वाला जीव नरक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बताओ? बहुत बढ़िया, दूसरे गुणस्थान का जो काल है, संजय जी भाई साहब, सेठी जी, वो जो दूसरे गुणस्थान का काल है वो कौन, किसका काल है? सम्यक्त का काल है, जो बचा हुआ था ना ऊपर, कम से कम एक समय और अधिक से अधिक छह आवली, वो जो काल बचा था वो किसको मिला? दूसरे गुणस्थान वाले को। देखो कितनी सुरक्षा गार्ड है वो जो काल ऑफ समय सम्यक्त का था, उसने कितनी सुरक्षा की, भले ही गिर गया लेकिन वो काल भी कितना कीमती है कि ऑफ समय सम्यक्त का जो काल बचा हुआ था उस जीव ने उसको नरक में जाने से रोक लिया। माने हर एक चीज की कितनी कीमत होती है, अपन कीमत समझे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि वो तो अब अनंत अनुबंधी का उदय आ गया, अब तो गया, अब तो मिथ्यात्व में जाना ही है और हो गया, अब तो दूसरा, अब कुछ नहीं, लेकिन उस काल ने उसे नरक जाने से बचा लिया। इस तरह का नियम है, ये नियम भी अपन ऐसा जान के रखें कि दूसरे गुणस्थान में मरण हो तो क्या स्थिति होती है। और भी इसमें दूसरे गुणस्थान संबंधी कुछ कुछ बातें हैं, वो आप इसमें से और भी अध्ययन करें, जानें, क्योंकि इसमें कुछ विषय ऐसे हैं कि यदि मैं वो निकालूंगा तो आपको उसमें और संदेह खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे और फिर प्रश्न भेजेंगे तो उनके समाधानों की चर्चा अपन करेंगे। अभी अपने पास से कुछ पर्चियां आई हैं, इनसे संबंधित और चर्चा कर रहे हैं। दूसरे गुणस्थान की लगभग चर्चा हो चुकी है, कुछ बचा होगा तो हम कल और थोड़ा सा स्टार्टिंग में दोहरा के तीसरे गुणस्थान की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये जिज्ञासा है कि पहला दूसरा तीसरा ही बहुत लंबा चल रहा है और हमें तो चाहिए है सबको चौथा। क्यों चाहिए चौथा? मोक्ष तो नहीं जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, कहाँ नहीं जा सकते, नहीं पहले मेरी सुनो, कहाँ नहीं जा सकते? पंचम काल में मोक्ष तो नहीं जा सकते, तो क्या करें? रिजर्वेशन तो करा ही लें। शिखर जी फॉर्म तो भर ही दो, समझ शिखर जी का, फॉर्म तो भर ही दो,
परिस्थिति बस नहीं पहुंच पाए तो बात अलग है, लेकिन जो फॉर्म भर देगा ना, ये मान के चलो उसने अभी से वहां जाने के पुण्य बांधने की शुरुआत तो कर ही दी। आप ये मत समझना कि अभी हम उसका प्रचार कर रहे हैं, और कर रहे तो कर ही रहे, बहुत बढ़िया, यद्यपि वो विषय तो चलता ही रहता है, लेकिन ये बात पक्की है, माने अपन तो इसमें घटित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसने ऐसा पक्का निर्णय कर लिया कि मुझे सम्मेलन शिखर जाना है और फॉर्म भर दिया, मान लो आपको पहुंचना है 9 अक्टूबर को, और आपके दो दिन पहले तीन दिन पहले आपके कोई ऐसी कंडीशन बनी कि कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, तीन चार महीने तक का आपका जो प्लान था कि सम्मेलन शिखर जी जाएंगे, ये होगा, दर्शन करेंगे, तीर्थ वंदना होगी, विधान में बैठेंगे, समय सार पढ़ेंगे, पांच दिन लगातार समय सार ही समय सार होगा, ये दिमाग में माइंड में कंटिन्यू चलता रहेगा, और वो जो चलता रहेगा उससे हर समय तीन चार महीने तक लगातार पुण्य बनता ही रहेगा। ये स्वरूप है और ये सत्य है, इसमें कहीं कोई कि मनगढ़ंत कहानी है ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। तो बात ये थी कि यदि मोक्ष नहीं हो सकता तो क्या करें, रिजर्वेशन तो कराई लें। तो सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो हमारा रिजर्वेशन हो गया, मान लो आध्यात्मिक जी दृष्टि से तो सम्यक दर्शन हो गया तो हमारा काम हो गया, अब हमारा संसार शेष नहीं रहा। करणानियोग थोड़ा एक्चुअल कंडीशन बता देता है कि कदाचित सम्यक दर्शन छूट भी सकता है, सम्यक दर्शन छूट भी जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो गया, छूट भी जाए फिर हो जाए फिर छूटे फिर हो जाए फिर छूटे, कोई दिक्कत नहीं, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर मोक्ष होगा ही, उससे आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये बात पक्की है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न है दो तीन, इनकी चर्चा करते हैं। श्रेणी मारने वाले को कौन सा सम्यक तो चाहिए, ये तो हो गया मेरे ख्याल से समाधान, प्रथमोपम सम्यक तो से श्रेणी नहीं चढ़ते, अभी प्रश्न आया है तो एक नया भी बता देते हैं, नहीं तो क्या फायदा प्रश्न का। प्रथमोपम सम्यक तो से श्रेणी नहीं चढ़ सकते, एक बात, शायोपमिक सम्यक तो से भी श्रेणी नहीं चढ़ सकते, श्रेणी चढ़ने के लिए दो सम्यक में से कोई एक चाहिए, कौन सा, या तो द्वितीयोपम या क्षायक, द्वितीयोपम से भी श्रेणी चढ़ सकते हैं और क्षायक सम्यक तो से भी श्रेणी चढ़ सकते हैं। देखिए, दूसरे गुण स्थान में मरण हुआ तो ना सम्यक में है ना मिथ्यात्व में है, तो वह मरण करके कौन से गुण स्थान में जाएगा, प्रश्न आने के पहले ही मुझे लगता है समाधान भी हो चुका है, फिर भी प्रश्न आया है तो फिर से सुन लें आप। दूसरे गुण स्थान में मरण हुआ तो ये बोल रहे हैं कि ना तो सम्यक्त में है, सही बात है, और ना मिथ्यात्व में है, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने, तो वह मरण करके कौन से गुण स्थान में जाएगा। देखो, मरण करके तो वो पहले में ही जाना है, मरण करे भी और ना भी करे तब भी जाना तो उसको पहले ही में है। आपका तो प्रश्न ऐसा बनना चाहिए था कि वो कौन सी गति में जाएगा है ना, गुण स्थान तो पक्का ही है, मरण करे चाहे ना करे, लेकिन कौन सी गति में जाएगा, तो यहां बता ही दिया, एक का निषेध कर दिया, नरक में नहीं जाएगा, वो भी बद्धाए उसके ना हो तो इस कंडीशन में, बाकी अन्य में तो जा सकता है किसी में। अगला प्रश्न, दूसरे गुण स्थान से मिथ्यात्व में आए हुए जीव का पहले गुण स्थान में रहने का काल कितना है, कृपया स्पष्ट कीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दूसरे गुण स्थान से जो जीव पहले में आया अभी, अब प्रश्न यह है क्या वह पहले से पहले गुण स्थान को कितने जल्दी छोड़ सकता है, या पहले गुण स्थान का उसका काल कितना, प्रश्न तो यही है, पहले गुण स्थान में रहने का काल कितना है, जघन्य काल अंतर मुहूर्त,
जघन्य काल कितना अंतर, माने वो चाहे तो मिथ्यात्व में आया है और पुरुषार्थ करे तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही ऊपर चौथे पांचवे सातवें में कहीं पर भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है यदि हीन पुरुषार्थ रहा तो, तीसरे पांचवे, तीसरे चौथे पांचवे सातवें, और यदि अधिकतम काल रहा तो वही लगा लेना फिर से वही नियम, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन तक उस गुण स्थान में रहेगा। भक्ति वाले आ तो नहीं गए, वैसे भी तो भक्ति चल रही है, नहीं चल रही भक्ति तो भक्ति है, गुणेषु अनुराग भक्ति, भगवान के गुणों का अनुराग, और भगवान के गुणों का अनुराग ही चल रहा है, नहीं चल रहा कैसे, भगवान के, भगवान की वाणी में जो आया वो वाणी की चर्चा कर रहे हैं तो गुणों से अनुराग ही है तभी तो कर रहे हैं, ढोल मजीरे तो बजाने से अच्छा ही है ना, तथापि भक्ति के समय पर भक्ति भी करेंगे। मिथ्या दृष्टि जीव समावसरण के किस भूमि तक जा सकता है, अरे मिथ्या दृष्टि भूमि तक क्या, समावसरण में भी जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसके संबंध में बहुत लोगों को प्रश्न उठते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव समावसरण में जा सकता है कि नहीं, कोई कहता है अभव्य जा सकता है कि नहीं, ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न उठते हैं। अभव्य के बारे में तो मात्र एक उत्तर पुराण ग्रंथ में लिखा है कि नहीं जा सकता, नहीं उत्तर पुराण में लिखा है अभव्य जा सकता है, बाकी अन्य किसी ग्रंथों में अभव्य की एंट्री भी नहीं कही, चाहे अपने तिलोय पंडित्य ग्रंथ कहें चाहे अन्य ग्रंथों में भी अभव्य का प्रवेश नहीं बताया, मात्र एक उत्तर पुराण ग्रंथ में अभव्य का प्रवेश बताया है। मिथ्या दृष्टि का प्रवेश कहीं समस्या नहीं है, मिथ्या दृष्टि समावसरण के अंदर जाएगा, और जाएगा तो इसमें किसी को एक प्रश्न और उठता है कि जो जो मिथ्या दृष्टि जीव समावसरण में जाते हैं तो वहां सब सम्यक तो ग्रहण करके आते हैं कि ऐसे भी खाली लौट के चले आते हैं, भगवान के द्वारे पे कोई समावसरण में गया है डायरेक्ट भगवान से साक्षात मुलाकात दर्शन उनका सानिध्य और सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जब गौतम गणधर को देखते ही सारा काम हो गया तो फिर हमारा भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, सम्यक दृष्टि हो भी सकता है और मिथ्यात्व खाली मिथ्यात्व सहित लौट भी सकता है, दोनों ही बातें शास्त्रों में लिखी हैं। एक अंतिम प्रश्न है, बाकी सब हो गए, अधिक से अधिक प्रथमोपशम सम्यक तो कितनी बार हो सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रथमोपशम सम्यक तो अधिक से अधिक कितनी बार, प्रथमोपशम सम्यक तो अधिक से अधिक असंख्यात बार हो सकता है, कितनी बार, लेकिन पता उसका गैप जो है ना, गैप वो भी सुन लो, एक बार, एक बार किसी जीव को प्रथमोपशम सम्यक हुआ है और यदि वो छूट गया तो दोबारा प्रथमोपशम सम्यक तो होने में असंख्यात वर्ष लगते हैं, कितने, गोमटसार कर्मकांड की यदि भाषा में कहें पल्ल के असंख्यात में भाग, कितना, अभी आपको कठिन सा लगेगा, इसलिए पल्ल के असंख्यात का मतलब भी असंख्यात ही होता है, माने एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ छूट गया, अब दोबारा प्रथमोपशम सम्यक्त होने के लिए बीच में असंख्यात वर्ष लग जाएंगे, अंतर मुहूर्त में वो काम नहीं होगा, असंख्यात वर्ष बाद ही प्रथमोपशम सम्यक्त हो सकता है। क्षयोपशम सम्यक्त तो है ही, क्षयोपशम सम्यक्त रहने पर भी फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है, तो इसमें कौन सी विशेषता हुई, हाँ भाई तो बता ही दिया, क्षयोपशम एक सम्यक्त है उसमें दोष उत्पन्न होते हैं और उसमें औपशमिक हो तो विशेषता हुई, तभी तो वह श्रेणी चल सकता है, यदि औपशमिक निर्मल सम्यक्त प्राप्त न हो और मात्र क्षयोपशम हो तो मलिन सम्यक्त से मुनिराज श्रेणी नहीं चल सकते हैं, इसलिए क्षयोपशमिक सम्यक्त से द्वितीयोपशम सम्यक्त तो चाहिए ही, औपशमिक क्षयोपशम शायक तीनों सम्यक्त में अनुभूति अल्प रूप में कोई अंतर रहता है कि एक सा,
इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ये थोड़ा लंबा प्रकरण भी है। और दूसरा, पहले तो तीनों सम्यक तो हमें समझ में आ जाएं, और समेक शायक समेक शायक, इनकी भी चर्चा अपन क्रम से करेंगे और इसके संबंध में भी अपन विषय आगे बढ़ाएंगे। समय बहुत अधिक हो गया है, अपन जिनवाणी को नमन करते हुए ही विराम लेते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो आप दे देना, क्योंकि फिर वो लोग भी नाराज हो जाते हैं, है ना। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमोस्।